हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सवानास किचन। आज हम बनाएंगे पत्ते गोश्त। पत्ते गोश्त बहुत डिलीशियस रेसिपी है। ये रेसिपी यूनिक स्टाइल से बनाई जाती है। ये एक स्पेशल डिश है। इसके लिए मैंने 1 kg मटन लिया है। अब 1 पॉट में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया। अब उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी और उसको 2-3 मिनट के लिए भून लिया। अब उसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी और उसको भी हल्के से भून लिया। अब उसमें मैंने मटन डाल दिया और मटन को सभी मसालों के साथ अच्छे से भून लिया और उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया। अब कुकर का ढक्कन ढक के उसको लो फ्लेम पे पकने रख दिया। अब मैंने 1 बाउल में 3 टेबलस्पून सूखी खट्टी इमली ली और उसको इस तरह से पानी में भिगो के रख दे। अब मैंने ये 500 ग्राम अरबी के पत्ते लिए हैं। अब एक बड़े थाल में 250 ग्राम चने का आटा और 250 ग्राम ज्वार का आटा लिया है। ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया और 2 टेबलस्पून शक्कर डाल दी। अब भिगोई हुई सूखी इमली को ऐसे मसल के उसके लिए पानी को धीरे धीरे से आटे में डाल के ऐसे आटा गूंथती गई और 2 टेबलस्पून तेल डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया और इमली के पानी को ऐसे धीरे धीरे से उसमें डाल के आटा गूंथते जाना है। इमली के पानी को धीरे धीरे उसमें मिला के ये जो कंसिस्टेंसी में मैंने आटा गूंदा है वैसे ही आटा गूंदिए। ज़्यादा पतला और ज़्यादा जाड़ा नहीं रखना है, यही कंसिस्टेंसी में आटा गूंदना है। यह हमारा आटा बन के रेडी हो गया। अरबी के पत्तों को मैंने ऐसे धो के रख दिए थे और उसकी बैक साइड पर ऐसी पतली स्टेम आती है उसको भी छुरी से निकाल ली थी। अब ये बैटर को ऐसे सब साइड पे स्प्रेड करना है और उसके पर एक के बाद ऊपर 3 पत्ते रखना है। आप चाहे 4 भी रख सकते हैं और उस पर भी ऐसे आटा स्प्रेड करते जाना है। अब उसको ऐसे दोनों साइड से वाल के उसके पे भी आटा स्प्रेड करना है और फिर बाद में इस तरीके से उसका रोल बना लेना है। ये हमारा पत्ते का रोल बन के रेडी हो गया। इस तरह से मैंने सभी पत्तों के रोल बना लिए। अब आप इडली कुकर या कोई भी पॉट में पानी डाल के उसके ऊपर ऐसी ट्रे रख के इस ये पत्ते को बाफने रख देना है। अब मैंने जो गोल्डन ब्राउन प्याज बनाई थी उसको ऐसे हाथों से क्रश कर लिया। अब मैंने 1 नारियल का कोपरा लिया और उसका ऐसे दूर बना लिया। आप इसमें सूखा कोपरा भी ले सकते हैं। अब हम कुकर को खोल के देख लेते हैं। हमारा मटन पक के रेडी हो गए। अब मैंने 1 पॉट में 1 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया और उसमें बॉइल्ड मटन को डाल दिया। उसको अच्छे से मिला के ऐसे 2-3 मिनट के लिए पकने रख दिया। अब हमने जो कोकोनट मिल्क निकाला था उसको उसमें डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकने रख दिया। ये हमारे पत्ते के रोल अच्छे से स्टीम हो गए हैं और बन के रेडी हो गए। उसको ऐसे छुरी से देख ले के अच्छे से पक गए हैं या नहीं। अब उसको कुकर में से निकाल के ठंडे होने के बाद ऐसे रोल काट ले। इस तरीके से आप जितने पत्ते इस्तेमाल करना चाहते हो उतने रोल काट ले। अब पत्ते के रोल को फ्राई करने के लिए 1 पैन में ऑयल गरम कर लिया। अब सभी रोल को एक के बाद एक उसमें डाल के उसको सेमी फ्राई करना है। उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब सेमी फ्राई हो जाने के बाद उसको ऐसे निकाल लिया। अब मटन करी जो हमने उबलने रखी है उसमें गोल्डन ब्राउन प्याज को ऐसे हाथों से क्रश कर लिया और वो करी में अच्छे से ऊपर बिछा लिया।
अब उसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दे। अब उसके ऊपर सेमी फ्राई किए हुए पत्ते को ऐसे बिछा लिया। अब उसके पे हरा धनिया डाल दे। अब उस पे ढक्कन ढक के उसको 3-4 मिनट के लिए पकने रख दे। ये हमारा बहुत ही डिलीशियस पत्ते गोश्त बन के रेडी हो गया। ये टेस्ट में बहुत लाजवाब है। आप ये डिश बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना ना भूलें।